और ही कार में सही होकर आ ही गया। अब ये फ्रैंकलिन का बच्चा मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मुझे जाना होगा। ये नीचे ही खड़ा है वो असली फ्रैंकलिन। अगर मैं आज इसे मार देता हूँ और वो एलियन बैटमैन इसे ले जाता है अपने साथ, तो ये हमेशा के लिए मारा जाएगा और इसके पूरे घर पर और हर जगह पर सिर्फ मेरा ही कब्जा होगा और ये नकली फ्रैंकलिन भी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। मुझे लगता है ये जब तक मोबाइल यूज कर रहा है, मुझे आराम से नीचे उतरना होगा और इसे पता न चले कि इसके साथ क्या होने वाला है। ये बेसबॉल का बैट तो मैंने उठा लिया है, अब आराम से मुझे नीचे उतरना होगा। वो रहा सामने की तरफ, बस मुझे जाना होगा इसके पास आराम आराम से। ये रहा, इसने मुझे भी ऐसे ही मारा था ना, ये लो जोरदार। फाइनली ये मारा ही गया। ये रहा सामने की तरफ पड़ा हुआ है असली फ्रैंकलिन। इसने अपने हाथ में वेपन भी रखा हुआ था। मुझे लगता है अब मुझे जल्दी से बुलाना होगा एलियन बैटमैन का। और ये फाइनली आ ही गया। ये रहा सामने की तरफ एलियन बैटमैन। एलियन बैटमैन, मैंने वो सामने की तरफ फ्रैंकलिन की लाश को डाल दिया है, अब तुम्हारा काम है आगे क्या करना है। जल्दी से फ्रैंकलिन को लेकर जाओ और ऐसी जगह फेंक के आना जहाँ से ये कभी वापस ना पाए। आखिरकार तुमने मेरे बनाए हुए प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर ही दिया। जल्दी से मैं इसे ले जाऊंगा, तुम जल्दी जाओ कहीं पर सिंचन और चौब को पता न चल जाए। अब तुम्हारा राज फिर से होगा इस पूरे घर के ऊपर और सिंचन और चौब के ऊपर। ओके ठीक है, मुझे लगता है मुझे जाना होगा। नीचे ही होंगे शिनचैन और चॉप। जब तक एलियन बैटमैन यहाँ से ले जाता है, मैं शिनचैन और चॉप को काबू करता हूँ। ओके, वो तो जा चुका है। मुझे लगता है अब मुझे लेकर जाना होगा इस असली फ्रैंकलिन का। गाड़ी को भगाना होगा मुझे। इसे मैं उस जगह पर फेंक कर आऊंगा इस गाड़ी के साथ, ताकि ये वापस ना आ पाए। मैं गाड़ी को तो इस साइड पर लेकर आ चुका हूँ, मुझे उतरना होगा। ये मैंने जम मारी और गाड़ी गई जर से नीचे। अब फ्रैंकलिन नहीं बचेगा। मुझे जाकर देखना होगा फ्रैंकलिन कहाँ पर है। वो रही सामने की तरफ वो गाड़ी और इसे आग लग चुकी है। मजा ही आ गया, फ्रैंकलिन इसके अंदर जलकर राख हो जाएगा। लगता है मैंने अपना काम कर ही दिया है, अब मेरे को जाना होगा। अरे मुझे यहाँ से जाना होगा, भागना होगा वरना ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। अबे ये मेरी क्या हालत कर दी, फाइनली मैंने अपने आप को बचा ही लिया किसी तरह करके। अरे मुझे लगता है फिर से कहीं पर वो नकली फ्रैंकलिन तो नहीं आ गया। मुझे लगता है ये सब कुछ उसी का काम हो सकता है। और मेरे सर पर किसने वार किया, मेरी बॉडी से तो काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है। फाइनली अपनी जान गाइस मैंने बचा दी। क्या गाइस ये उस नकली फ्रैंकलिन का काम है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख कर बताओ। अगर उसका ही काम है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, समझो। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अबे ये कौन है? ये तो हल्क है, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ ये तो हल्क ही है। अबे हल्क थैंक गॉड तू आ गया, देख सकता है मेरी हालत बहुत टाइट है और मुझे ये नहीं पता कि ये सब कुछ किसने किया है। देखो फ्रैंकलिन, मैं बता सकता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है, पर मैं चाहता तो मैं उसे चुटकी में खत्म कर देता। पर सिंचन और चोप ये समझते कि मुझे नकली फ्रैंकलिन ने भेजा है और जिसे मैंने मारा है वो नकली नहीं असली फ्रैंकलिन है, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। ये तुम्हें जिसने भी मारा है उसके पीछे उस एलियन बैटमैन और नकली फ्रैंकलिन का ही हाथ है। देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उसे किसी तरीके से भी घर से बाहर निकाल के मारूंगा और वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। और एलियन बैटमैन का तो मैं काम तमाम करूंगा ताकि वो तुम्हारे रास्ते में कभी ना आए, पर उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हें पता है टोनी स्टार्क ने एक ऐसे सूट बनाए हैं जो कि सिर्फ सूट स्टोर से ही मिल सकते हैं। तुम्हें सुपर हीरो के फ्यूजन ए स्टोर के अंदर जाना होगा जहाँ पर सुपर हीरो के एजिस सूट हैं। तुम्हें उन एजिस सूट को एक एक करके कलेक्ट करना होगा और लास्ट में वो सारे सूट कंबाइंड फ्यूजन करने के बाद मुझे लाकर देने होंगे। वो जो भी गोड सुपर हीरो होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर तुम ये मेरे लिए कर देते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इस नकली फ्रैंकलिन से मैं तुम्हारा छुटकारा दिलाऊंगा। क्या सच में? अगर गाइस ऐसा है तो मुझे लगता है ना हल्क मेरी मदद करेगा। हल्क वैसे भी काफी ज्यादा अच्छा सुपर हीरो है। ठीक है हल्क, तू मेरी मदद करने के लिए तैयार है और मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बता के मुझे क्या करना होगा अब? देखो मेरे पास हल्क का एक सूट है जो कि मैं वहाँ से लाया हूँ टोनी स्टार्क से। टोनी स्टार्क ने मुझे ये सुपर हीरो के फ्यूजन स्टोर से बाय करके दिया है। मैं बाकी सुपर हीरो के सूट कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सुपर हीरो के रूल के खिलाफ है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं
तुम्हें ये सूट देता हूँ, तुम बाकी सूट आसानी से बाय कर पाओगी। ओके अगर ऐसा है तो ठीक है गाइस, मुझे लगता है ना ऐसा करने से जो मेरी हालत है ना ऐसी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है हल्क मुझे फिर हल्का अपना सूट दे दे। ओके ठीक है रेडी हो जाओ, ये सूट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ओके गाइस हल्क ने तो मेरे को ये सूट दे दिया है, लेकिन मैं हल्क के देखो जस्ट जितना भी नहीं हूँ, यानी कि कितना छोटा सूट दिया हल्क ने मेरे को। ठीक है हल्क ये मैं तेरे लिए कर दूंगा, पर अपना प्रॉमिस याद रखना जो तूने मेरे साथ किया है। वैसे देखा जाए तो गाइस इस वाले हल्क की बॉडी काफी ज्यादा उस समय। ओके गाइस क्या ही स्पीड से भाग रहा हूँ, ओके मेरे पास पावर आ चुकी है और क्या ही खतरनाक जंप आ चुका है मेरे पास। मुझे भाग कर जाना होगा यहाँ से। ओके लेकिन गाइस अब मेरे को ना लगता है पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सुपर हीरो के फ्यूजन ए स्टोर के अंदर जो भी सुपर हीरो के सूट होंगे वो ऐसे तो मिलने वाले नहीं है, वो पैसों के बगैर तो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए मेरे को पैसे कलेक्ट करने होंगे, भाग कर जाना होगा। एक मिनट ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, गाइस सामने की तरफ आग भी लगी हुई है, ये आग काफी भड़क रही है, मेरे को जाकर देखना होगा, लग तो कुछ गड़बड़ी रही है। इस साइड पर वैन खड़ी हुई है, ये तो गैंग वालों की गाड़ियां हैं और गैंग वाले भी खड़े हुए हैं, मुझे छुपना होगा इस साइड पे। ओके गाइस ये क्या, ये तो सुपरमैन का दुश्मन। अबे ये क्या सुपरमैन का दुश्मन यहाँ क्या कर रहा है। बिजारो इसका नाम है गाइस, ये काफी खतरनाक है। देखो हमें जाने दो यहाँ से, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुमने पूरे $10,00,000 मांगे थे और हमने दे दिए, हमें जाने दो यहाँ से। अल्ले पापा ये हमें माल डालेंगे, प्लीज मुझे बता लो मुझे मलना नहीं है, पीछे आग भलक ली है और काफी गर्मी भी लग रही है। तुम शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हो, इसलिए तुम्हें ही तो मैंने उठाया है, अब तुम्हें पूरे $1,00,000 देने होंगे, तब भी तुम्हारी जान छुटेगी, वरना ये आग बढ़ाकर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, जलकर राख जाओगे तुम। जल्दी करो टाइम नहीं है मेरे पास, जितने भी पैसे हैं तुम्हारे अकाउंट में मुझे ट्रांसफर कर दो। गाइस ये तो इन्हें मार डालेंगे, इस हल्के सूट के अंदर पावर है, इससे पहले मुझे इन्हें मारना होगा। ये ले खा जोरदार पंच, और बिजारो तू कहां पर जाएगा, ये डबल किक। ओके गाइस इन्हें मारना होगा एक एक करके, और गाइस ये मारा मेरे से काफी जोरदार। ओके इन लोगों को खुद ही लगता है ना आग से जलकर आंखों भी मुझ पर शूट कर रहा है, तुझे पता नहीं हल्क कितना ही ज्यादा पावरफुल है। ओके मुझे यहाँ से जाना होगा, ये मुझ पर बुलेट शूट कर रहे हैं, कहीं पर इन लोगों को ये मार ना डाले, इसलिए मुझे इन लोगों को यही पर सबक सिखाना होगा। ये खा जोरदार पंच, क्या ही जोर से पंच दिया, जलकर राख हो गया ये। ओके इस साइड पर भी जितने हैं वो भी मर चुके हैं, अबे तुम लोग रुक जाओ, भागने की जरूरत नहीं है वरना आग ये जला डालेगी तुम लोगों को। सबसे पहले मुझे सिलेंडर को बंद करना होगा जो ये पीछे रखा गया है। ओके गाइस यहाँ से सिलेंडर बंद हुआ और यहाँ से एक गेट भी खुल गया, फाइनली इन लोगों को बचा लिया मैंने, अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सबको मार दिया और तुम्हारी जान बचा ली मैंने। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, देखो तुमने मेरी और मेरी बीवी बच्चे की जान बचाई है, इसका इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, ये लो $1,00,000 तुम रख लो, तुम्हारे जरूर काम आएंगे, और हमें लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। ओके तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे लगता है मुझे भी जाना होगा। गाइस फाइनली थैंक गॉड अपने पास तो $1,00,000 आ चुके हैं, और शायद मेरे को पहला सुपर हीरो सूट बाय करने के लिए $1,00,000 ही चाहिए थे, वो मेरे को चेक करना होगा सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर ओपन करके। ओके ओपन कर लिया। ओके ये रहा $1,00,000 का सूट, देखता हूँ कौन से सुपर हीरो का सूट मिलता है, करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस फाइनली ये तो मेरे को थोर का सूट मिला है, और ये थोर का सूट कितना ही ज्यादा अमेजिंग है, इसके हाथ में हैमर देख सकते हो, मेरे को फ्लाई करके यहाँ से जाना होगा। ओके फ्लाई करके चलते हैं, क्योंकि मेरे को और भी पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से कलेक्ट होंगे ये तो मेरे को चेक करना होगा, तो यहाँ से भाग कर चलते हैं। अरे भाग 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 थोर, एक मिनट रुकना होगा, ये किसे देख रहा हूँ मैं। ओके मैंने अपनी पावर को डिसेबल कर लिया है, मुझे जाकर पूछना होगा पुलिस वालों से कि हुआ क्या है। अरे पुलिस ऑफिसर क्या हो गया, तुम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो। देखो परेशानी की ही बात है, शहर के अंदर एक आतंक मचाने वाला राक्षस आ चुका है जिसका नाम है वेनम, उसे रोकना हमारे बस में नहीं है, उसने काफी ज्यादा पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला है,
पुलिस वालों ने उस पर इनाम रखा है। जो भी उसको मार कर उसकी लाश को लेकर आएगा उसे मिलेंगे पूरे $5,00,000। इसलिए मैं अपनी जान की बाजी खेलकर उसे मारना चाहता हूँ। देखो अगर तुम भी उसे मार कर ले आते हो तो तुम्हें भी $5,00,000 मिल सकते हैं थॉर। मुझे पता है तुम पुलिस वालों के लिए ये तो जरूर करोगी। ओके क्या ऐसी बात है? हाँ इस वाक्य में $5,00,000 की अपॉर्चुनिटी चलकर खुद मेरे पास आई है। ठीक है फिर तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और वैनम की लाश को मैं खुद लेकर आता हूँ। ओके सबसे पहले यहाँ से जंप करना होगा। ओके यहाँ नीचे आकर गिरा मैं। ओके यहाँ से चलते हैं, तेजी से जाना होगा। गाइस अपन लोगों के पास पावर एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि वैनम है कहाँ पर, जो कि शहर के अंदर तबाही मचा रहा है, और देखता हूँ कि कैसा वैनम है। मेरे को फ्लाई करके जाना होगा। अबे कहाँ पर चुप कर बैठा है वैनम, सामने आ। सुना है कि तू शहर के अंदर तबाही मचा रहा है, मैं भी तो देखूं कितनी तबाही मचा रहा है तू। ये रहा सामने की तरफ। अरे वैनम तू अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लगता है थर तुम्हें भी पुलिस वाले ने भेजा है। पुलिस वालों के बहुत सारे ऑफिसर मारे जा चुके हैं। थर तुम्हें भी क्या मेरे हाथों से मरना है? तुम्हें पता नहीं है मैं इस शहर को तबाह करके इस पूरे शहर पर हुकूमत करना चाहता हूँ, वो भी अकेला। वैनम इतनी तबाही मचाएगा और वैनम पावरफुल हो चुका है, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है ना मुझे वैनम तो नींद में है। जब तेरी आंखें खुलेंगी ना तो सपने से बाहर आएगा और मुझे इसको नींद से उठाना ही पड़ेगा। ओके गाइस ये क्या, ये तो मेरे को मार रहा है। अबे तो पीट रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। अच्छा तू मेरे को मारेगा, ये काफी जोरदार हैमर। ये मार रहा हूँ मैं से, अब हैमर की ऐसी बरसात करूंगा, उठने नहीं दूंगा मैं तेरे को वैनम, तू जो कुछ मर्जी कर ले। और ये ले लाइटनिंग स्ट्राइक। अबे ये क्या हुआ, पूरे का पूरा दरख्त यहाँ से कट गया। और ये रहा सामने की तरफ वैनम। ओके इसका मंडी से पकड़ लिया, मेरे को ना फ्लाई करके लेकर जाना होगा इसे। अबे ये तो जलकर राख हो चुका है, इसे पहचान कैसे पाएंगे पुलिस वाले। लेकिन कोई नहीं, अपन लोगों को इसकी लाश को तो लेकर जाना ही होगा। मेरे को यहाँ से भागना होगा, भाग कर मैं चलता हूँ। ये रे गाइस यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ पुलिस ऑफिसर। ये रही इसकी लाश वैनम की, ये जलकर राख हो चुका है, अब ये शहर के अंदर तबाही नहीं मचाएगा। थैंक यू सो मच, तुमने कितना ही बड़ा काम किया है, हमारी मुश्किल आसान की है तुमने। वादे के मुताबिक मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें पूरे $5,00,000 दूंगा। ये लो $5,00,000, एंजॉय करो थोर। अरे ओके मेरे को कैसा एंजॉय, मेरे को अब नेक्स्ट सूट बाय करना है। यहाँ से जाना होगा, जंप करता हूँ मैं सीधा जंप करके नीचे। ओके गाइस इस वाली जगह पर आ चुका हूँ, मेरे को कोई देख नहीं पाएगा। अब ओपन करना होगा सुपर हीरो का फ्यूजन एज सूट स्टोर। ओके ओपन कर लिया। ये रहा सामने की तरफ $5,00,000 का सूट। देखते हैं गाइस कौन से सुपर हीरो का सूट मिलता है मेरे को। करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस मेरे को ये स्पाइडरमैन का सूट मिला है, देख सकते हो कितना ही मजेदार और अमेजिंग सूट है। जाना होगा यहाँ से। ओके ये स्पाइडरमैन फ्लाई करता हुआ जा रहा है, क्या ही मजेदार फ्लाई की, और सीधा लैंड करवाया इस जगह पर, और यहाँ से फिर से फ्लाई करके जाना होगा। गाइस आप मेरे को ना नेक्स्ट सूट बाय करने के लिए पूरे $1,000,000 चाहिए, और वो $1,000,000 मेरे को कैसे और कहाँ से मिलेंगे ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जाना होगा यहाँ से। ओके गाइस सीधा मैं जा रहा हूँ। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अभी ये तो स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है बाइक रेसिंग चैलेंज। ओके गाइस अगर मैं ये चैलेंज जीत जाता हूँ तो ये तो काफी ढेर सारे पैसे पड़े हैं, तो मेरे को ये सारे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है ये मैं चैलेंज खेलने के लिए तैयार हूँ। ओके मेरे को भी ये चैलेंज खेलना है, मुझे इस चैलेंज के रूल जानने हैं और पैसे कितने मिलने वाले ये भी जानने हैं। देखो इस चैलेंज के सिंपल से रूल है, जो भी सबसे पहले फिनिश पॉइंट पर पहुंचेगा वही जीतेगा, जो हर बार होता है। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जीतने वाले को पूरे $1,000,000 का इनाम। तो चैलेंज को शुरू किया जाए। याद रखना मेरा एक और रूल भी है, जीतेगा भी खतरनाक है, अगर तुम हार गए तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। अबे ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, पागल समझ के रखा है मेरे को क्या, मैं स्पाइडरमैन हूँ। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में स्पाइडरमैन ओपी लिखो, जो जो भी
स्पाइडरमैन का फैन है और देखता हूँ ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है शायद। ओके गाइस, ये सब लोग तो बाइक पर बैठ चुके हैं, मुझे भी बैठना होगा। ओके, यहाँ से भगाना होगा बाइक को, भगा कर लेकर के। अबे इसे तो मेरे क्रॉस मारा। अभी ये क्या, वो लोग तो काफी तेजी से जा रहे हैं, मुझे भी स्पीड से जाना होगा, मुझे भी बाइक को भगाना होगा। ओके, इसे भी क्रॉस मारा, सेकंड वाले को भी और ये फर्स्ट वाला। ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। और गाइस मेरे को देखना होगा फिनिश पॉइंट कहाँ पर है, अभी तक तो मेरे को फिनिश पॉइंट नजर नहीं आया कहीं भी। ओके, ये रहा सामने की तरफ। और गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, जीत गया मैं। एक मिनट, वो सामने की तरफ अब भी आ रहे हैं। गाइस ये सेकंड वाला आया। ओके, ये तीसरे नंबर वाला और ये चौथे नंबर वाला और वो लास्ट में वो पांचवें वाला। ओके, मेरे को घुमा कर जाना होगा, ये चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, स्पाइडरमैन जीत गया ये चैलेंज। मेरे को बाइक को तेजी से भगा कर लेकर जाना पड़ेगा। भाई कितनी स्पीड से भगा रहा हूँ मैं। अबे गाइस इसके अंदर ये देखो काफी खतरनाक किस्म का बूस्टर भी है। ओके गाइस, यहाँ पर उतरना होगा। फाइनली ये चैलेंज मैं जीत चुका हूँ और ये पूरे $1 million मेरे हुए। ओके गाइस, मेरे पास पूरे $1 million आ चुके हैं, कलेक्ट कर लिए मैंने। यहाँ से जाना होगा, भागकर तो जा रहा हूँ। ये जगह काफी ज्यादा सेव है तो ओपन कर लेते हैं सुपर हीरो का फ्यूजन स्टोर। ओके गाइस, ओपन कर लिया। ये रहा पूरे $1 million का सूट, देखता हूँ कौन सा सूट मिलता है मेरे को। करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस, मेरे को ये आयरन मैन का सूट मिला है, कितना ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरे को यहाँ से जाना होगा। ओके, फ्लाई करके जा रहा हूँ, क्या ही स्पीड से फ्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके गाइस, जाना होगा यहाँ से, मजा ही आ गया। यहाँ पर लैंड करवाया। एक मिनट, ये किसकी कॉल आ रही है? अबे ये तो हल्क की कॉल है। अबे हाँ बोल हल्क। देखो फ्रैंकलिन, तुमने ये सारे सूट बाय कर लिए हैं और एक सूट रह चुका है, वो सूट पूरे $10 million का है। मेरे को एक चैलेंज के बारे में पता चला है जिसका मैसेज मुझे आया है, अगर तुम जाकर वो चैलेंज खेल लेते हो, वो माइक मैगर रैम चैलेंज, तो तुम्हें पूरे $10 million मिल सकते है। लोकेशन मैं तुम्हें भेज देता हूँ, जल्दी से पहुँचो उस चैलेंज पर। ओके ठीक है, मैं पहुँचता हूँ फिर। गाइस मेरे को जाना होगा भाग कर, सीधा उस चैलेंज पर चलते हैं, देखते हैं कि कहां पर है वो चैलेंज। ओके गाइस, मैं तो पहुंच चुका हूँ इस चैलेंज के ऊपर, मेरे को भाग कर जाना होगा। ये रे सामने की तरफ जिन लोगों ने ये चैलेंज अनाउंस करवाया है। ओके भैया, चैलेंज खेलना चाहता हूँ। तुम ये चैलेंज खेलना चाहते हो? कोई ना कोई तो आया हमारे काबू में, लगता है तुम आयरन मैन हो या फिर फेक आयरन मैन। चलो जो कोई भी हो, देखो ये चैलेंज के कुछ रूल है जो कि तुम्हें जानने होंगे। जीतने पर $10 million और हारने पर तुम्हें $20 million या हमारे हाथों से मरना होगा। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और हमारे बनाए हुए चैलेंज को तुम्हें पूरा करना होगा। तो स्टार्ट किया जाए चैलेंज। ओके गाइस, मेरे को यहाँ से जाना होगा, कोई बाइक चूज करनी होगी। ओके, ये वाली बाइक चूज कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ से जा रहा हूँ, ब्रेक मारी और मुड़ना होगा सामने की तरफ, वुडन ब्लॉक। ओके गाइस, यहाँ से जाना होगा वुडन ब्लॉक, ये सामने की तरफ ब्लॉकर लगे हुए थे, इन्हें गिराया मैंने और यहाँ से मुड़ना होगा। राम राम से मुड़ रहा हूँ। ओके, जा रहा हूँ सामने की तरफ फिर से। अबे वुडन ब्लॉक, मैं गिर सकता हूँ। ओके गाइस, गिरते गिरते बजे यहाँ से जाना होगा। अभी ये क्या, हवा के अंदर वुडन ब्लॉक घूम रहा है क्या? अबे गाइस तेजी से जाना होगा वरना ये वुडन ब्लॉक मेरे को गिरा देगा। मुड़ना, अबे पीछे होना होगा। गाइस वाकई में काफी खतरनाक रास्ता है ये। ओके गाइस, यहाँ से गुजर गया, ये रास्ता पार कर लिया मैंने और जाना होगा यहाँ से नीचे, जाना होगा रैंप की, तेजी से रैंप कर रही होगी और सीधा इस वाली बोतल के ऊपर। चलो खैर, हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा, ब्रेक मारी और गाइस यहाँ पर लैंड करा है। इस वाले टनल के अंदर मेरे को जाना होगा, जा रहा हूँ तेजी से जाना होगा। ओके गाइस, क्या ही खतरनाक तरीके से गया। अभी आगे की तरफ ये जंप रखे गए हैं, मेरे को पता नहीं था कि ये जंप रखे गए हैं यहाँ पे। कंटेनर पर तो पहुंच चुका हूँ, ये मेरे को गिरा सकता है वुडन ब्लॉक, लेकिन बच निकले। सामने की तरफ स्टेयर है, स्टेयर से पार किया मैंने। ओके टेक फ्लाइट, अबे नीचे हो जा, टेक फ्लाइट। ओके हुई और अगली भी टेक फ्लाइट, काफी स्पीड से गया हूँ मैं। ओके राम राम से यहाँ से लेकर गया सामने की तरफ टारगेट पॉइंट। अबे ये टारगेट पॉइंट तोड़ा मेरे, ये मैंने तोड़ा टारगेट पॉइंट, ये अगला टारगेट पॉइंट और यहाँ से तेजी से जाना होगा। सामने जाम की और पहुंच चुका हूँ। ओके ये देख सकते हो वुडन ब्लॉक भी हवा के अंदर घूम रहा है। ओके गाइस, लगता है ये कोई जादुई गैंग वाले तो नहीं है जो हवा के अंदर इन लोगों ने इतना खतरनाक चैलेंज रखा है। ओके
यहाँ से गेट जम करवाई और सीधा इस जगह पर पहुँच चुका हूँ। आगे फिर से वुडन ब्लॉक घूम रहा है। ओके गाइस, यहाँ से सीधा नीचे गए, नीचे जाने के बाद यहाँ से जम करवाया तेजी से और इस वाली जगह पर। अरे क्या ही खतरनाक तरीके से मैंने ब्रेक मारी। ओके गाइस, फाइनली मुझे लगता है ना मुझे जम करवा के लेके जाना होगा। ओके जम करवाया, यहाँ से भी जम करवा के लेकर गया। ओके ये पतला सा रास्ता आ चुका है, मैं इससे जा रहा हूँ सामने की तरफ। गाइस देख सकती हूँ क्या ही खतरनाक। और गाइस इस विंड फैन से बचा और सीधा यहाँ पर बाइक को लैंड कराया आगे की तरफ ये साइन बोर्ड। ओके गाइस ये साइन बोर्ड हटाया मैंने, यहाँ से ब्रेक मारनी होगी, जाना होगा, यहाँ से मुड़ना होगा मेरे को। क्या ही खतरनाक तरीके से मुड़ा हूँ मैं। ओके जा रही है बाइक अपनी। ये क्या हेड़े तिरछे रास्ते रखे गए हैं, मेरे को लगता है ये मेरे को गिराने के लिए रखे गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी मैं गिरने वाला नहीं हूँ। ओके यहाँ से मुड़ना होगा, ये सामने की तरफ फिर से पतला सा रास्ता और फुटबॉल रखे गए हैं, इन्हें एक एक करके मेरे को गिराना होगा। ओके ये फुटबॉल भी था, इसे भी गिराया और यहाँ से मुड़ा, आराम से बाइक को लैंड करवाना होगा। ओके गिरते गिरते बचा, सामने की तरफ फिर से लाइफ इन्वर्टर के बॉक्सेस। ओके एक एक करके गिराना होगा, तेजी से बाइक मारी मैंने। अबे हट जा भाई, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन बचत हो गई। यहाँ से तेजी से लेकर जाना होगा। ओके गया, सीधा जंप करवा के मैं इस जगह पे। अरे बाइक को एक ही जंप करवाया, मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके इस वाली जगह से लेकर जा रहा हूँ, राम राम से लेकर जाना होगा मेरे को। ये आई थिंक ये हवा के अंदर जो खड़े हैं ये बैलून है जिसके अंदर शायद लोग बैठ कर जाते हैं। ओके मेरे को ये लॉस एंटोस में काफी बार नजर भी आया है, मेरे को जाना होगा यहाँ से। क्या और सामने की तरफ ये क्या गोल गोल गुलाटी, इस गोल गोल गुलाटी से घूमना होगा मेरे को लगता है ना। ओके यहाँ पर ऊपर भी गोल सर्कल रखा गया है, इस कल से फिर से मेरे को घूमना होगा, बाइक को लेकर जाना होगी। क्या दो दो विंड फैन, अरे मैं कैसे बच पाऊंगा, एक से बचा तो दूसरा मेरे को पक्का गिरा देगा। और लेकिन बचत होगी और यहाँ से जंप किया सीधा फिनिश पॉइंट पर। आई थिंक आई एम अ प्रो, नहीं मेरे को लगता है मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ। ये रे पूरे $10 million, मैं एक बार भी नहीं गिरा, जल्दी से इन पैसों को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस $10 million तो कलेक्ट कर लिए, अब मेरे को ओपन करना होगा सुपर हीरो का फ्यूजन स्टोर, ओपन कर लेता हूँ। ये रहा पूरे $10 million का सूट। गेस करो गाइस आप लोग कौन से सुपर हीरो का ये सूट होने वाला है, तो देखता हूँ कौन कमेंट सेक्शन में सही बताता है। करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस मेरे को ये लास्ट सूट मिला है थेनोस का, मेरे को यहाँ से जाना होगा। काफी खतरनाक तरीके से जा रहा हूँ सामने की तरफ यह एयरपोर्ट, और वहीं पर यह वो फ्यूजन मशीन, मेरे को वहाँ पर जाना होगा सीधा जम करके। ओके गाइस मेरे को मिल चुका है ये सामने की तरफ फ्यूजन मशीन, मेरे को अंदर जाना होगा लगता है, देरी नहीं करनी चाहिए, तो जल्दी से चला जाता हूँ। 1 2 3 एंड गो, देखता हूँ हम लोग कौन सा गॉड सुपर हीरो बन के बाहर निकलते हैं। ओके गाइस ये मैं क्या खतरनाक चीज बन चुका हूँ, अबे ये तो गोरिल्ला किंग कॉन्ग है, मेरे को लगता है यहाँ से जाना होगा, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। ओके गाइस देख सकते हो कितनी खतरनाक चीज बन चुका हूँ मैं। फाइनली इन सारे सुपर हीरो को बनाने के बाद, फ्यूजन करने के बाद ये गोरिल्ला किंग कॉन्ग बना हूँ मैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ये जाकर ना हल्क को दूंगा सूट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।